आज मैं आपको चावल की बहुत ही बेहतरीन डिश बनाना बता रही हूँ। इसके लिए 1 से 1.5 घंटे चावल को पानी में सोख करके अच्छे से धो के रख लें, और उसके बाद आप आधे घंटे से फैन के नीचे पेपर में सुखा लें या किसी भी कपड़े पे, और उसके बाद आप इसके फाइन से पाउडर बना लें। पाउडर यदि आप मिक्सी में चला के पाउडर इसके बनाते हो और वो बारीक नहीं हो रहा है, तो फिर आप इसे छन्नी से अच्छी तरह से छान ले, और बार बार इसे छानने के बाद जो मोटा पीस बच जा रहा है उसे फिर से आप मिक्सी में चला ले। इस तरह से इसके एकदम फाइन पाउडर बना ले चावल के, और फिर उसे आप इस डिश में यूज़ करें। इसके लिए मैंने 750 ग्राम गुड़ लिया है, और जिसे मैं अच्छी तरह से 1 गिलास पानी के साथ पाक बनने के लिए रख दिया था। ये देखिए, अब हमारा जो गुड़ है वो पाक बनने लगा, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से 2 तार के पाक नहीं बनी है। तो अब मैं फिर से इसे एक बार चेक करूँगी, और अब मैं गैस को बंद करती हूँ और 1-2 बार चलाते हुए मैं अब चेक कर ले रही हूँ। तो ये देखिए, पानी में जो हमारा पाक है वो देखिए, जब मैं ऐसे हाथों से ऐसे किया ना, तो ये क्या है, पूरा ये जो है वो मेरे ठोस हो गए हैं और ये लिक्विड ही नहीं रहे पानी में जब गए, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे डिश है वो कंप्लीट हो गया। अब इसी गुड़ में मैं थोड़ा थोड़ा चावल का पाउडर डालते हुए उसे मिक्स करती जाऊंगी। इसमें आप 1-2 चम्मच करके पाउडर डालती जाएं और मिक्स करती जाएं, जब तक कि 1 राउंड का आपके अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए, तब तक आप दूसरा ना डालें। एक साथ इसमें सारे चावल के आटे ना डालें, नहीं तो ये आपके जो डिश हैं वो बिल्कुल भी ख़राब हो जाएंगे। इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा करके आप डालती जाएं और देखती जाएं कि आपको इसमें कितने आटे की और ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से आप धीरे धीरे इसमें डालती जाएं और इसे मिक्स करती जाएं। सारे पाक में जो हमारे हल्के आटे हैं उसे धीरे धीरे मैं इसमें डालती जाऊंगी। ये देखिए, हमारा बिल्कुल अच्छे से बन के ये रेडी हो गया है। इसकी थिकनेस कुछ इस तरह से होनी चाहिए। इसे एक प्लेट में आप पूरी तरह से निकाल दें। इधर मैंने एक कढ़ाई रखा है जिसमें मैंने ऑयल गरम करने दे दिया है, और इसे आप हथेलियों में ऐसे करके बनाते जाएं और डालते जाएं, पर इसके कोई शेप नहीं बना सकेंगे क्योंकि ये हल्का गीला होता है। बस इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे आने से थोड़ा सा, यदि हल्का गर्म है तभी ये बनेगा। तो इसे हाथों को सहने लायक ही रखें और इसे इसी तरह से बनाती जाएं, और इसे बना के आप छान के हटा लें। ये बहुत ही टेस्टी आपके चावल और गुड़ की रेसिपी है, और मैं आशा करती हूँ ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। ये हमारे झारखंड की फेमस रेसिपी है, इसे हमें अड़सा बोलते हैं। ये इधर के लोग बहुत पसंद करते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी ये बहुत पसंद आएगी। साथ में ये गुड़ की बनी है तो ये हेल्दी भी है। 2 से 3 चीज़ों में ये आपकी रेसिपी बनके रेडी हो गई है। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को